नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे। नमस्कार, मैं हूं विपिन द्विवेदी, म्यूजिक एजुकेटर ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्वालियर। पिछले कुछ वीडियो से हम सीख रहे हैं राग यमन, और इसी पर आधारित कुछ फिल्मी गीतों के बारे में भी आज हम बात करेंगे। ऐसी क्या खास बात होती है कि राग यमन ही सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाता है? पहली वजह तो ये है कि राग यमन बहुत ही सीधा, सरल और कर्णप्रिय राग है। राग यमन में प्रयुक्त होने वाले गीतों की भी एक कहानी है। वैसे ये श्रृंगार रस प्रधान राग है। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार दोनों प्रकार के पोइट्री इस राग में प्रयुक्त होती है, और इस राग का मूड भी कुछ ऐसा ही है। सब कुछ बहुत पिक्चर परफेक्ट होता है या बहुत शांत, काम डाउन करने वाला होता है। एक और राग है जो बहुत काम डाउन करने वाला होता है, राग मालकोंस। उसके बारे में आने वाली क्लासेस में चर्चा करेंगे। वो दूसरे थाट पर आधारित है, भैरवी पर आधारित है, और राग यमन कल्याण थाट का आश्रय राग है, जैसे कि हम बताते आए हैं। 10 थाट, उनके बारे में भी हमने पिछले वीडियोस में समझा था। कल्याण थाट एक बहुत ही सुंदर प्रकृति का राग है। इसके गाने का समय भी इवनिंग आस, जो अर्ली इवनिंग आस हैं, उसमें है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राग यमन को पहचाना कैसे जाए, आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि ये गीत, ये गाना, ये राग यमन बज रहा है या ये चीज़ राग यमन है। तो अगर आपने सारे गामा पधा नीसा इन 7 स्वरों पर महारत हासिल कर ली, या इन 7 स्वरों को आप जानने लगे, उसके बाद आप राग पहचानने की पहली सीढ़ी पार कर गए हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना है जो पकड़, जो चलन राग यमन का बताया था, वो नी रे ग, नी रे ग रे सा, इस तरह की अगर स्वर रचना आती है, नी रे ग म प निगाहें मिलानी, नी रे रे ग ग पा म ग रे सा चंदन सा बदन, पारे गा पारे पारे, ये संगति, पारे की संगति, नीरे गा की संगति, ये स्वर रचना आपको मिलती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये राग यमन है। बहुत सारे भक्ति गीत इसमें लिखे गए हैं। मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोहन जाने, जिनका मोह करे मदनी जानी दाप रे गरे सा। बड़ा सीधा, बड़ा सरल और बड़ा ही मार्मिक राग है राग यमन। ऐसा ही एक गीत मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। जब दीप जले आना, जब सांझ ढले आना, 1976 में आई एक मूवी चितचोर, जिसका संगीत निर्देशन किया रविंद्र जैन साहब ने। इसको लिखा भी उन्होंने और संगीत से सजाया भी, और इस गीत को गाकर अमर कर दिया बॉलीवुड के महान प्लेबैक सिंगर श्री यशुदास जी ने, और इसमें इनका साथ दिया हेमलता जी ने। तो चलिए आज मैं आपको सिखाऊंगा, जब दीप जले आना, जब सांझ ढले आना। आ...
जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। इस गीत की स्वर रचना एक अपने आप में यमन का एक पाठ्यक्रम है। जितने सुंदर इसके बोल हैं उतना ही सुंदर इसका संगीत। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदिया के किनारे आज उसी अम्बा के तले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। रे गा रे गा मा गा रे सा सा नी पा बा मा, रे गा सा नी सा रा बा मा बा, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, आ नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं, लेते हैं विदा एक दूजे से, कहते हैं चले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना,
जब शाम ढले आना। मैं उम्मीद करता हूँ इस गीत को आप दोहरा रहे होंगे और इसे बार बार सुनकर आप इसे सीखने का प्रयास करेंगे और इस समर कैंप को एक सक्सेसफुल बनाएंगे। इफ यू लाइक दिस सॉन्ग, दिस एंटायर कॉन्सेप्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दीज वीडियोज टू योर ग्रोथ्स। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।